वो लास्ट में है, वो मंदिर का है जी जी, ये मंदिर है। हाँ, पप्पू कार्की दा का घर भी है। हाँ, यही है। अच्छा, ये कौन कौन से गांव हुए इधर? ये आ गया हमारा लोहाथल। अच्छा, नगला गांव आ गया, उसके बाद वो पानी कुछ भी नहीं था यहाँ के पानी के अलावा, मतलब बिल्कुल एकदम शुद्ध जाने का ठंडा पानी, बिल्कुल बिल्कुल। कितने बीमार होते हैं असल में, सही बात है, क्या होता है यहाँ तो शुद्ध वैसी हवा से बीमारी दूर। जी 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 जी, जो आजकल की नई युवा पीढ़ी है इतना प्लान कर रही है बच्चों को लेकर, और अपना मतलब बच्चों को ले जाती है सीधे नीचे को जाए, उनको क्या कहना चाहोगे आप थोड़ा सा? क्या कहें उनको, वो तो अपना आजकल तो बहुएं ऐसी आ रही कि उनकी सेवा करनी पड़ रही है ना। तो फैसिलिटी देख रहे हैं ना, फैसिलिटी। जी जी जी, आप पंखे के नीचे रहेंगे, वो पंखे की हवा उनको कैसे। लेकिन फिर इस वक्त मैं उडियारी पॉइंट पे खड़ा हूँ, तो यहाँ से जो रोड जाती है सीधा बे, जय बजरंगबली, जय हो, जय हो प्रभु, ओम भूर्भुवस्सु वित्तिवरेण्यं भर्गोदेवस्य धियो न प्रचोदयात्। जय हो प्रभु। शुरुआत करते हैं आज के नए ब्लॉग की। यहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपने कोटमन्या पर, ये दिखाते हैं आपको आगे चलकर कोटमन्या का मार्केट। जी हाँ दोस्तों, ये बोर्ड लगा है सामने कोटमन्या का, कोटमन्या यानी कि अपने आप में एक बहुत प्यारी सी लोकेशन। आगे जाकर आपको मार्केट भी दिखाऊंगा, और अपने आप में एक बहुत खूबसूरत सी जगह है। ये जगह का नाम है कोटमन्या। जी हाँ, बागेश्वर से कांडा कमेड़ी होते हुए 30-40 किलोमीटर की दूरी पर ये उडेरी बैंड पड़ता है, और यहाँ से 3-4 जगह को रोडें का कनेक्शन है। जी हाँ, फर्स्ट बात में अगर करूँ तो बागेश्वर से तो एक आती ही आती है, उसके अलावा यहाँ से हम पाखों को जा सकते हैं, पाखों से हम रीमा धर्मगढ़ पसार की तरफ भी जा सकते हैं, यहाँ से बेलनाथ गंगोली हाट की तरफ भी हम जा सकते हैं। जी हाँ, तो सुनिए, सुनवाते हैं आपको कुछ प्यारा सा एक सॉन्ग। धानुली कंगी टूटली हिया पी टूटली, धानुली पर गुडहरे रोज, नैनुमा पसीला गला ये पीला गला, नैनुमा फोन करी ही रोज। तो आइए आगे मिलते हैं, देखेगा नीचे को बहुत प्यारी सी लोकेशन और बहुत प्यारे प्यारे से गांव। गांव का नाम तो मुझे नहीं पता, पर पाखों के इस तरफ को, नासिनी के इस तरफ को, थल के इस तरफ का ये एरिया पड़ता है, और बहुत सुंदर सा लोकेशन आपको देखने को मिल रहा है। सामने देखेगा तुसारू का पेड़, जो पहाड़ी में तुसारू होता है उसका पेड़ है, और बिच्छू घास यौन तो इनका पत्ता भाई है ना, बहुत प्यारी सी लोकेशन है। चलिए आगे मिलते हैं कोटमन्या के मार्केट से। चलिए दोस्तों, आपसे बात करते हैं। इस समय मैं उडेरी बैंड पर खड़ा हूँ, यहाँ से जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ से 3-4 जगह रोडें जाती, तो ये मैं जो आप जिस तरफ को मैं अपना बाजू कर रहा हूँ, ये वाली रोड सीधा कांडा होते हुए बागेश्वर की तरफ को जाती है। यहाँ से कांडा की दूरी मात्र 25 किलोमीटर है, और कांडा से आगे को 18 किलोमीटर और आप मान के चलेगा, टोटल यानी कि 20-42 किलोमीटर के आसपास में ये वाली जो सड़क है इसकी दूरी बनती है। इसके बाद मैं अगर इस तरफ को अगर बात करूँ तो ये वाली सड़क सीधा पाखों की तरफ को जाती है, जो यहाँ उडेरी बैंड से पाखों की दूरी लगभग 15 किलोमीटर या 12 किलोमीटर की है, आई एम नॉट ए श्योर, और यहीं से एक टर्न लेता है जो रीमा धर्मघर की तरफ को जाता है। हालांकि वहाँ से भी बहुत सारी रूटें हैं जो दाएं बाएं को, जो आजकल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रही हैं, वो रूटें काफ़ी सारी बनी हैं। लेकिन फिर इस वक्त मैं उडेरी पॉइंट पर खड़ा हूँ, तो यहाँ से जो रोड जाती है सीधा बेरीनाग की तरफ को जाती है। जब भी आप कभी को यहाँ आना हो तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, यहाँ पर सारी सुविधाएँ आपको, होटल, पानी, मेडिकल सुविधा, उसके अलावा कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं कुछ समय के लिए। पहाड़ का बहुत ही प्यारा सा ही लोकेशन, बहुत ही प्यारी सी जगह, और बहुत सुंदर सा दृश्य यहाँ से आपको देखने को मिलता है। ऊपर आसमान में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे बादल दिखेंगे। उत्तराखंड के जब भी मैं सुंदरता की बात करता हूँ तो हमारा पहाड़ इतना सुंदर पहाड़ है, यहाँ पर न फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है, न पंखे की ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा भी बहुत ठंडा ठंडा पानी मिलता है। तो आइए आपसे मुलाकात करते हैं फिर से आगे की दूरी को लेकर। उडेरी बैंड से थोड़ा सा आगे कर ये वाली जो रोड जाती है, ये जाती है पाखों की तरफ। यहाँ से पाखों की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। पाखों की दूरी 15 किलोमीटर ना। पाखों में एक मंदिर है ना बहुत बढ़िया सा, कौन सा मंदिर है वो? अच्छा, जो देवी भगवती मैया वही है ना, पप्पू कार्की जी का घर भी इधर ही। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप क्या करते हो यहाँ पे, दुकान उकान है? चलो बढ़िया है, अच्छी जगह है, पहाड़ों में तो बहुत बढ़िया है, मज़ा आता है।
है ना। नहीं मजा तो नहीं, लेकिन देखो बिना पंखे के बैठे हो शहरों में, देखो कितनी गर्मी हो रही है। ये तो दवाई ठहरी है, पानी ठंडा है ना। बिल्कुल 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 सही, फ्रिज में पानी पी रहे हैं। हाँ हाँ सही बात है। हाँ बिल्कुल, देखो ये डॉग भी पाल रखे हैं इन लोगों ने, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों पहाड़ों में जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने पहले भी आपको बताया पानी बहुत शुद्ध मिलता है। क्योंकि मैं भी जब पंजाब में था ना, जब मैं पंजाब में था वहाँ पे पानी पीता था प्योरिट का, लेकिन अभी घर आकर वो पानी देख रहा हूँ ना, वो पानी कुछ भी नहीं था यहाँ के पानी के अलावा। मतलब बिल्कुल एकदम शुद्ध, वहाँ जाने का ठंडा पानी, बिल्कुल बिल्कुल। कितने बीमार होते हैं असल में, सही बात है। क्या होता है यहाँ तो शुद्ध वैसे हवा से बीमारी दूर। जी 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 जी, जो आजकल की नई युवा पीढ़ी है इतना प्लान कर रही है बच्चों को लेकर, और अपना मतलब बच्चों को ले जाती है सीधे नीचे को जाए, उनको क्या कहना चाहोगे आप थोड़ा सा? क्या कहें उनको, वो तो अपना आजकल तो बहुएं ऐसी आ रही कि उनकी सेवा करनी पड़ रही है ना। तो फैसिलिटी देख रहे हैं ना, फैसिलिटी। जी जी जी, आप पंखे के नीचे रहेंगे, वो पंखे की हवा उनको कैसे प्राइवेट में ले जाती है वो उनको पता है। जी जी जी, हमारे लिए तो यही सुंदर है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हैं। देखो मैं भी उत्तराखंड की हमेशा बात करता हूँ, आज भी बात करूँगा थोड़ा सा। हमारे दो बहुत अच्छे साथी मिल गए दादाजी, जिनको उत्तराखंड से बहुत प्यार है। तो मेरे जब दादी नानी थे ना, वो लोग भी पता है यहाँ पे उन्होंने 5 भाइयों को बिना नौकरी के पाला हुआ है। ये जो माटी है इससे बहुत कुछ उगता है, अभी है ना उगता है। मैंने पाली है, लड़की पाली है मैंने। जी होते होते माँ गुजर गई उसकी। हाँ हाँ, अभी नौवे स्कूल पकड़ती है मेरी। देखो बहुत बढ़िया, वह भी कार के बना दी, धानी का कार के बना दी मैंने भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा ऐसे ऐसे भी होता है हमारे उत्तराखंड में। बहुत बढ़िया, चलो फिर मुलाकात करेंगे आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आपने अच्छा बताया, देवी भगवती मैया वाला एक भजन है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा दिखता है यहाँ से? अच्छा चलिए थोड़ा दर्शन करवा देते हैं आपको, अगर दिख रहा है तो। वो लाल पीला वाला मकान है ना। अच्छा अच्छा, हाँ वो मंदिर का वो दिखाई जा रहे हैं। जी 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 जी, वो है मैया का। जी वो सामने बिल्कुल जो दिख रहा है वो मंदिर का है। जी जी ये मंदिर है। हाँ पप्पू कार्की दा का घर भी है। अच्छा ये कौन कौन से गांव हुए इधर? ये आ गया हमारा लोहाथल। अच्छा नगला गांव आ गया, उसके बाद दसोले ये आ गया, क्या कहते हैं यहाँ, फिर संगड़ आ गया, फिर ये दुसोली आ गया ऊपर, ये पंख ये बोंगाल आ गया, ये पंख आया है। जी जी जी, जो मंदिर है एक वहाँ का मंदिर है ना, इसमें ये कालिका का वह मंदिर है ये, इसमें कोई मतलब जैसे लुहा का वो चीज नहीं जाते इसमें। अच्छा अच्छा, जैसे जहाज भी आएगा तो इधर उधर। ये वाला जो सामने पहाड़ी है, ये पहाड़ी, ये वाली पहाड़ी, वो वाली टॉप वाली। देखिए दोस्तों, जो टॉप पे ये पहाड़ी दिख रही है आपको, इसके ऊपर से बताया जा रहा है कि कोई भी लोहे की चीज नहीं जाती है, भगवान की शक्ति होती है कि उसको थोड़ा सा इधर उधर से जाना पड़ता है, ऐसी ऊपर नहीं लाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमारे पास सुई नहीं होते हैं लोहे। जी जी, इधर के नीचे के लोहाथल के, लोहाथल कार की रहते हैं ना यहाँ। हाँ जी जी जी, बढ़िया बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया लगा आपसे, बिल्कुल ऐसे प्यार बनाए रखिएगा अपने उत्तराखंड से, बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है ठीक है, थैंक यू।